अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अदनान खान। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मूवीज वॉक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिमी। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मिमी का रिव्यू नहीं कर पाए थे, राया एंड द लास्ट ड्रैगन हमें कुछ ज्यादा अच्छी लगी थी, तो हमने सोचा कि उसका रिव्यू कर देते हैं पहले। लेकिन कोई बात नहीं, कल रिलीज हुई थी, आज हम रिव्यू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लेट है नहीं। बहरहाल हमारी ज्यादातर वीडियो और रिव्यूज लेट ही हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आगे से ना लेट हों और बैक टू बैक मूवी देखने के बाद फौरन रिव्यू डाल दिया करें। तो गाइज, वैसे तो ये मूवी फ्राइडे में रिलीज होने वाली थी नेटफ्लिक्स पर, लेकिन किसी वेबसाइट ने इसको पहले ही लीक कर दिया, तो नेटफ्लिक्स वालों ने सोचा कि क्यों ना आज ही इस मूवी को रिलीज कर दी जाए। तो नेटफ्लिक्स वालों ने इसको आज ही रिलीज कर दिया। खैर, मूवी तो हमने बहरहाल कल ही देख ली थी और रिव्यू आज कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम लेते हुए आपको बताते हैं मिमी के बारे में कि कैसी ये मूवी है और आपको अपना इंपॉर्टेंट टाइम इस मूवी को देना चाहिए या नहीं। तो गाइज, ट्रेलर देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये एक ड्रामेटिकल कॉमेडी मूवी है। तो गाइज, क्या ये अपने ड्रामे में और अपनी कॉमेडी में कामयाब हो पाती है या नहीं? तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉमेडी में बिल्कुल आपको हंसाएगी और आपको साथ साथ में ये इमोशनल भी कर जाएगी। तो गाइज, कहानी बिल्कुल सिंपल है कि एक गरीब लड़की होती है जिसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो मुंबई जाके हीरोइन बनना चाहती है। तो गाइज, कहानी में एकदम से ट्विस्ट आया था कि पंकज त्रिपाठी मिमी के पास एक फॉरनर जोड़े का प्रपोजल लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि उसकी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो उसका बच्चा आपको अपने पेट में पालना है और उनको वापस दे देना है। अगर मैं पंकज त्रिपाठी के वर्ड्स में आपको बात समझाना चाहूँ तो बीज फॉरनर्स का, खेत मिमी का, और जो फसल लहर के आएगी वो फॉरनर्स की। तो गाइज, क्या मिमी पंकज त्रिपाठी के द्वारा दिए गए इस ऑफर को एक्सेप्ट करती भी है या नहीं, और उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखनी होगी मिमी, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है, आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है, डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्शन दिया है। बात करते हैं सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा कृति सैनन का। उनकी एक्टिंग से ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक फिल्म चल रही है, ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ ये सभी चीज़ें रियल लाइफ में हो रही हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करें पंकज त्रिपाठी की, तो भाई उनके तो क्या कहने। अगर किसी फिल्म में पंकज त्रिपाठी हो जाएं और उनकी एक्टिंग से आपको मज़ा ना आए और आप उनकी एक्टिंग से प्रेरित ना हो पाएं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तरफ कालीन भैया का कैरेक्टर प्ले करते हैं भाई, गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले करते हैं और बहुत ही सीरियस कैरेक्टर प्ले करते हैं, और दूसरी तरफ कॉमेडी के रोल में आके आपको एकदम से सरप्राइज कर देते हैं। भाई इनकी जैसी एक्टिंग और कोई बॉलीवुड में कर ही नहीं सकता। ऐसा महसूस होता है कि एक्टिंग नहीं कर रहे और रोल को ये जी रहे हैं, बिल्कुल एकदम से रियलिटी इनकी एक्टिंग में दिखाई देती है। तो गाइज, इनकी एक्टिंग इस मूवी में भी ज़बरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है। इनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, जिस मूवी में ये आ जाएं जबरदस्त रोल करते हैं। बात करें अदर कास्ट की, तो सबको छोटा छोटा रोल दिया गया है और सभी ने अपनी एक्टिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया है। बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को ये मूवी काफी पसंद आई है। अगर आप IMDb पर जाकर इसकी रेटिंग चेक करेंगे तो आपको 7+ की रेटिंग देखने को मिलेगी। बात करें मेरी, तो मुझे ये लगता है कि ये एक फुल्ली एंटरटेनमेंट मूवी है जो आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। अगर आप डिलीवरी वाला सीन इग्नोर कर सकते हैं तो आसानी से आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। तो गाइज, आ जाते हैं कि मैं इस मूवी को क्या रेटिंग दूंगा। तो मेरी तरफ से इस मूवी की रेटिंग रहेगी 10 out of 7 stars, क्योंकि एक ये फुल्ली एंटरटेनमेंट मूवी है और हर किस्म का बंदा इसको देख सकता है, मास ऑडियंस भी देख सकती है। ये फुल्ली आपका माइंड फ्रेश कर देगी और दमदार एक्टिंग और पंकज त्रिपाठी की दमदार एक्टिंग की वजह से तो आप एक बार इसको ज़रूर देख सकते हैं। अगर गाइज आपको मेरा रिव्यू ज़रा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।